उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में अलर्ट देखिए जारी किया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश जो है हो सकती है। तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 से 29 जून तक मानसून का असर जो है वो बना रहेगा। तो देखिए, आपको बता दें, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिले आपके टीवी स्क्रीन पर, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल वो जिले हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी देखिए भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अभिषेक कुमार सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मौसम लगातार परिवर्तन कर रहा है और यही वजह है कि उत्तराखंड के 6 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश हो सकती है। फिलहाल वहां पर किस तरह आप तैयारी देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों का ये अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह पर ऑरेंज अलर्ट है और मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्री मानसून है, प्री मानसून की दस्तक है और गुरुवार रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी लगातार जारी है। जहां तक तैयारियों की बात है, देखिए स्थानीय जो प्रशासन है वो उनकी अपनी तैयारियां हैं, सभी को अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है, ऐसे में जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। जो चौकियां हैं उनको विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही जो पुलिस के जो जवान है, जो 4 से 5 हजार जवान अभी फिलहाल कांवड़ यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो कह सकते हैं कि जो पुलिस की और जो एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की या जिला प्रशासन की तैयारियां है वो बिल्कुल पुख्ता है। इसके साथ ही जो आम जनता है उसको भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब बारिश हो तो कम से कम वो बाहर निकले, और खास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें विशेष तौर पर चेतावनी जो है लोगों के लिए जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही जो अपने मवेशी हैं वो भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए, उनको वहां पर ले जाने के लिए, उसके लिए भी चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जारी कर दी है। फिलहाल जो मानसून है वो 28 या और 29 जून तक प्रदेश में पहुंचेगा। उससे पहले ये जितना भी मौसम का जो बदलाव है वो प्री मानसून के तहत हो रहा है और उसमें जो बारिश का जो अलर्ट है उसी के हिसाब से गुरुवार रात से यहाँ पर बारिश भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अभिषेक, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो लोग पहाड़ों पर, आप बता रहे हैं पर्वतीय एरिया है, तो जो लोग पहाड़ों के साइड रह रहे हैं या नदियों के आसपास रहते हैं, क्या उन्हें सुरक्षित स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ देखिए मौसम परिवर्तन कर रहा है, वही विपर्जॉय तूफान जो है उसका भी असर लगातार तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, उनके लिए खासकर किस तरह तैयारी की गई है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि सबसे बड़ी तैयारियों में जो नदी नालों के पास जो पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर जो ऋषिकेश या ऋषिकेश से ऊपर की जो बेल्ट है और साथ ही देहरादून से लगा हुआ जो एरिया है वहां पर जो है नदी नालों के पास काफी जो बसावट है, काफी लोग वहां पर रहते हैं, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन सबसे पहले जब इस तरह का अलर्ट जारी होता है तो उनको वहां से शिफ्ट करके जो ऊपर का गांव है या फिर आसपास के जो गांव है वहां पर शिफ्ट कर देता है और साथ ही जो उनके मवेशी हैं उनको भी पहुंचा देता है। तो ये राहत का जो कार्य है वो फिलहाल जो है स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है, तो उसको देखते हुए प्रशासन जो है इस तरह की तैयारियां कर रहा है ताकि जान माल का। बिल्कुल अभिषेक, तो जहां अलर्ट जारी कर दिया है वही प्रशासन की भी तैयारियां बिल्कुल आगे है और प्रशासन भी लगातार इस तरह तैयारियां कर रहा है कि सुरक्षित जगह स्थान पर कैसे लोगों को पहुंचाया जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।